भाई कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं सोनू सैनी। तो यार आज हम बात करेंगे इस ऑल न्यू हुंडई वेन्यू के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि ये कौन सा वेरिएंट है हमारे पास। अभी इसका SX वेरिएंट है जो कि 1.2 पेट्रोल वेरिएंट है इसमें। और मैं आपको सबसे पहले इसका एक्स शोरूम बता देता हूं कि ये गाड़ी एक्स शोरूम कितना है इसका और ऑन रोड वगैरह कितने की पड़ेगी आपको। अगर मैं बात करूँ इसके एक्स शोरूम प्राइस की तो 10,69,500 इसका एक्स शोरूम है। और ऑन रोड की प्राइस बात करूँ तो अप्रोक्स आपको पड़ जाएगी 11,90,957 की ये ऑन रोड पड़ जाएगी आपको। अप्रोक्स बताया भाई अभी मैंने, जिसमें अभी मैं सबसे पहले बात करूँ इसकी फ्रंट लुक की। तो अभी मैं इसकी फ्रंट लुक की बात करूँ तो इसमें ऐसी कुछ मिल जाती है भाई हमें। ग्रिल सबसे पहले सेंटर में हुंडई का लोगो क्रोम फिनिश ग्रिल मिल जाती है इसमें। और यहाँ पे मिल जाते हैं ऐसे कुछ इसका इंडिकेटर और DRL यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर मिल जाते हैं इसमें हमें। हेडलैम्प और यहाँ पे मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पे पार्किंग लाइट। तो ऐसे कुछ लुक है इसकी सबसे पहले फ्रंट से। तो अगर मैं बात करूँ इसकी साइड से ORVM की बात करूँ तो इसमें ऐसे कुछ ORVM मिल जाते हैं जिसपे हमें साइड इंडिकेटर ORVM पे ही मिल जाते हैं, जो कि अंदर से फोल्ड भी हो जाते हैं और एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ लुक है। तो अभी मैं इसकी आपको 360 करा देता हूँ यहाँ से ऐसे कुछ है। और ऊपर हमें रूफ रेल्स मिल जाते हैं SX वेरिएंट में। और ऐसा कुछ है यहाँ पे हमें इसमें सनरूफ मिल जाता है। तो ऐसे कुछ लुक है इसकी साइड रियर की लुक की। तो ऐसे कुछ है इसकी भाई रियर की लुक। इसमें मैं अगर बात करूँ 45 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि पेट्रोल है। और इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है और रियर में मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक्स। और ऐसे कुछ लुक है इसकी पीछे से, जिसमें हमें यहाँ पे पीछे डिफॉगर हाई स्टॉप माउंट लैंप ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और रियर में यार सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि इसकी रियर की टेल लाइट्स, जो कि हमें यहाँ पे पूरी बूट है जो इस पर यहाँ पे लाइन के साथ जब भी हम इसकी पार्किंग ऑन करते हैं तब ऑन हो जाती है। और यहाँ सेंटर में हुंडई का लोगो, वेन्यू की बैजिंग, SX का बैजिंग मिल जाती है इस तरफ। और यहाँ पे मिल जाती है इसके इंडिकेटर। और यहाँ पे नीचे बम्पर में मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर, रिवर्स गे लाइट मिल जाती है यहाँ पे। और पीछे रिवर्स में मिल जाते हैं 2 पार्किंग सेंसर इसमें पीछे मिल जाते हैं हमें। और यहाँ पे मिल जाती है इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा। और अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूँ तो 343 लीटर की इसमें हमें बूट स्पेस मिल जाती है, जिसमें कि हमें यहाँ पे बूट लैंप मिल जाता है और पार्सल ट्रे मिल जाती है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है इसमें। और स्पेयर व्हील की बात कर लें भाई इसके, तो इसमें हमें मिल जाता है 15 इंचेस का स्पेयर व्हील मिल जाता है, जिसका टायर साइज है 195/65R15। और बाकी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा अपना लगेज वगैरह कुछ भी इजीली कैरी कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और यहाँ पे मिल जाते हैं इसमें ग्रैब हैंडल अपनी बूट क्लोज करने के लिए। और पीछे रियर में मिल जाते हैं इसमें हमें डुअल टोन बम्पर, जिसमें ब्लैक और बॉडी कलर मिल जाता है इसमें। और यहाँ पे ऐसे कुछ शेप है इसमें। और अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ भाई, इसमें 190mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनफ है, मतलब सब कॉम्पैक्ट SUV में आ जाती है भाई ये गाड़ी हुंडई की वेन्यू। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर की, तो इसमें हमें मिल जाता है रिक्वायर सेंसर, मतलब हम इसको प्रेस करके अपने गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं अगर हमारी की हमारी पॉकेट में है तो। तो ऐसा कुछ मिल जाता है इसमें हमें ड्राइवर साइड डोर सबसे पहले, जो कि ब्लैक और बीच कलर के साथ मिल जाते हैं। इसमें सारा इंटीरियर हमें डोर टोन का मिल जाता है ब्लैक और बीच कलर के साथ, जिसमें कि यहाँ पे मिल जाते हैं चारों पावर विंडो कंट्रोल, लॉक एंड लॉक यहीं से कर सकते हैं और ORVM यहीं से फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और यहीं से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं हम। सिल्वर कलर के मिल जाते हैं इसके डोर ओपनर, यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है, 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है। और बाकी ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर। अगर मैं अंदर जाने से पहले बात करूँ इसकी सीट की, तो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको सीट मिल जाती है इसमें। और फैब्रिक के मिल जाते हैं इसमें सीट कवर। और ऐसा कुछ है भाई इसका ड्राइवर साइड कॉकपिट, मतलब आप अगर बैठे हो ना यहाँ पे ड्राइवर साइड सीट पे, तो आपको बोनट भी प्रॉपर अच्छे से विजिबल होगा इसमें कि आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है, एग्जैक्ट आपको पता लगता रहेगा और आपको पूरी SUV वाली फील आएगी भाई इसमें बैठ के। तो भाई की तो है नहीं अभी मेरे पास इसकी, तो वरना आपको मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑन करके दिखाता। और अगर मैं इसकी स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो भाई इसका टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि फुली डी कट है, देख सकते हो आप, जो क्रेटा में आता है स्टेयरिंग व्हील सेम वही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा
जबरदस्त भी लग रहा है भाई देखने में। हुंडई का लोगो मिल जाता है इस तरफ, म्यूजिक का कंट्रोल इस तरफ मिल जाता है हमें, इसकी एमआईडी का कंट्रोल जो कि सेंटर में, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सेंटर में एमआईडी है और सारा फुली डिजिटल है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऐसे नहीं कि इसमें अब वो नहीं आता है एनालॉग के साथ नहीं आता भाई कुछ भी, फुली डिजिटल मिल जाता है। मतलब कोई निडल वगैरह सुइयाँ नहीं होती जैसे, वो नहीं मिलती अभी इसमें, सारा डिजिटल मिलता है हमें। इस तरफ मिल जाते हैं इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल और इस तरफ मिल जाते हैं हमें वाइपर के कंट्रोल, और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाता है SX वेरिएंट में, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का मिल जाता है ऐसे कुछ। इसके सराउंड हमें AC वेंट मिल जाती है जिसके सराउंड थोड़ी सी सिल्वर फिनिश मिलती है, और नीचे हमें फुट रेस्ट भी मिलता है इसमें, और 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स मिल जाता है जिसमें हमें यहाँ पे सेंटर में टच स्क्रीन मिल जाती है काफ़ी बड़ी, जिसमें हमें एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले वगैरह सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ मिल जाते हैं यहाँ पे। फुली ऑटोमेटिक इसमें हमें क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे इसके सारे म्यूजिक के कंट्रोल के ऑप्शन, जैसे मैनुअली हम वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी अपना मीडिया वगैरह रेडियो जो भी अपना मैप वगैरह प्ले करना है हमें ना, कुछ भी चलाना है तो यहाँ से चला सकते हैं। और यहाँ पे एयरबैग मिल जाता है स्टेयरिंग व्हील पे, एक यहाँ पे मिल जाता है एयरबैग इसमें, और बाकी यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात करें तो कोल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है इसमें हमें, और ट्विटर तो मिल ही रहा है भाई। को पैसेंजर डोर की तरफ भी हमें 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस, पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर मिल रहा है, और यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, कुछ अपना फ़ोन वगैरह आप इजीली रख सकते हो यहाँ पे। और अगर मैं ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे टिकट होल्डर मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल IRVM मिल जाता है, बट यहाँ पे SOS ब्लू लिंक का फीचर मिल जाता है इसमें। ब्लू लिंक तो आपको पता ही होगा भाई कितने ज़्यादा फीचर आते हैं, 65+ फीचर्स मिल जाते हैं आपको ब्लू लिंक में। और यहाँ पे मिल जाता है ऊपर वैनिटी मिरर और ऐसे कुछ, यहाँ पे इसमें लाइट्स मिल जाती है हमें जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है। और यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर, 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिल जाता है, USB पोर्ट, और यहाँ पे मिल जाता है हमें फास्ट चार्जिंग का भी मिल जाता है, 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही यहाँ पे अपनी जैसे वो है ना ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है तो आप की लगाने की जरूरत है, तो इसके लिए हुंडई ने यहाँ पे की रखने के लिए भी ऑप्शन बनाया भी, आप अपने की यहाँ पे रख सकते हो। 2 ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक और ऐसा कुछ मिल जाता है इसमें भाई आमरेस्ट, जिसमें अच्छी स्पेस मिल जाती है हमें। और बाकी बात करें तो ऐसे कुछ यहाँ पे मिल जाती है इसमें सीट बेल्ट, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, और सबसे बेस्ट चीज़ है जो इसमें ऊपर है सनरूफ भाई इसका, यहाँ से इसको ऐसे स्लाइड कर सकते हो आप मैनुअली और क्लोज और ओपन कर सकते हो। अभी भाई ओपन तो होगा नहीं क्योंकि की नहीं मेरे पास, एक लाइट यहाँ पे मिल जाती है हमें, अभी पीछे चल के भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से तो भाई ऐसे कुछ है गाड़ी आगे से, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेटर है और मतलब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इसमें, मतलब कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इसमें। और बाकी देखते हैं पीछे चल के क्या कुछ है, तो ऐसे कुछ है भाई पीछे से ये गाड़ी, जिसके पीछे के डोर की बात करते हैं ऐसा कुछ मिल जाता है हमें यहाँ पे डुअल टोन में, सिल्वर कलर का डोर ओपनर, यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस, स्पीकर, और बाकी ऐसे कुछ है इसमें भाई। स्पेसिंग देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है इसमें हमें, यहाँ पे पीछे रियर में AC वेंट, और इसमें थाई स्पोर्ट और लेग रूम वगैरह काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और मतलब काफ़ी खुली डुली गाड़ी है, स्पेशियस है। यहाँ पे रियर के AC वेंट और यहाँ पे 2 मिल जाते हैं आपके फ़ोन चार्जिंग के स्पॉट, और पीछे रियर में हमें आर्मरेस्ट मिल जाता है, और चारों हेडरेस्ट इसमें एडजस्टेबल हैं, पीछे के दोनों और फ्रंट के दोनों भी एडजस्टेबल हैं। तो ऐसे कुछ लुक आती है भाई पीछे से इसके डैशबोर्ड की, देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है देखने में भी। तो भाई ये हुंडई वेन्यू, तो ऐसे कुछ है यहाँ पे रियर में पार्सल ट्रे, मतलब काफ़ी अच्छी स्पेशियस है गाड़ी। तो भाई एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया था, आई होप आप सबको भाई वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर भाई आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो भाई। तो भाई अगर मैं बात कर लूँ इसके इंजन की, तो इसमें हमें 1.2 पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसमें हमें मिल जाती है 83 BHP पावर और 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है इसमें वाइपर का पानी डालने के लिए वॉशर, और ऐसा कुछ है भाई इसका इंजन, देख सकते हो 4 सिलेंडर इंजन है, और बाकी यहाँ पे बैटरी वगैरह, मतलब हर एक चीज़ का ऑप्शन है इसमें, मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है यार। तो इंजन ऑप्शन तो मैंने बता दिया, तो भाई ऐसी कुछ थी मेरी वीडियो, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।